पाकिस्तान की वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमान को हवाई युद्ध में गिराने वाले ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीर चक्र देकर सम्मानित किया। पुलवामा में 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने वाले शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। लद्दाख में गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान चीनी सैनिकों के साथ लोहा लेते हुए शहीद होने वाले कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ये सम्मान उन सैनिकों को देती है जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। आज के नो दिस वीडियो में हम आपको गैलेंट्री अवार्ड के बारे में सब कुछ बताएंगे, जानेंगे इनकी शुरुआत कब हुई, इनकी अलग अलग कैटेगरी के मायने क्या हैं। बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जानते हैं वीरता पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई। 26 जनवरी 1950 को वीरता पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी, हालांकि इसे 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया। तब 3 पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। इसके बाद भारत सरकार ने 4 जनवरी 1952 को 3 दूसरे वीरता पुरस्कारों की शुरुआत की। इनका नाम है अशोक चक्र श्रेणी 1, अशोक चक्र श्रेणी 2 और अशोक चक्र श्रेणी 3। 1967 में इनका नाम बदलकर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र रखा गया। कौन सा वीरता पुरस्कार कब दिया जाता है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। ये अवार्ड ज्यादातर मरणोपरांत दिया जाता है। इसे युद्ध में शूर वीरता और त्याग के लिए दिया जाता है। पहली बार 3 नवंबर 1947 को भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन के मेजर सोमनाथ शर्मा को ये पुरस्कार दिया गया था। देश में अब तक 21 जवानों को परमवीर चक्र मिल चुका है। महावीर चक्र, ये भारतीय सेना का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, जिसे असाधारण वीरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। ये मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। वरीयता क्रम में ये परमवीर चक्र के बाद आता है। आपको बता दें कि देश में अब तक 212 जवानों को महावीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। वीर चक्र, युद्ध के दौरान अदम्य साहस और वीरता दिखाने वाले सैनिकों को वीर चक्र के लिए चुना जाता है। ये देश का तीसरा सर्वोच्च वीरता सम्मान है। वीरता चक्र मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। देश में अब तक 1324 लोगों को ये सम्मान मिल चुका है। अशोक चक्र, इसे पीस टाइम का परमवीर चक्र माना जाता है, यानी युद्ध से अलग वीरता और साहस के लिए दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा अवार्ड है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास बिस्वास पहले इंडियन थे जिन्हें ये अवार्ड मिला। इसे हरे रंग के रिबन के साथ पहना जाता है, जिसमें एक केसरिया रंग की पट्टी बनी होती है। देश में अब तक 97 जवानों को अशोक चक्र दिया जा चुका है। कीर्ति चक्र, ये भी शांतिकाल में दिया जाने वाला वीरता पदक है, जिसे सैनिकों और गैर सैनिकों को असाधारण वीरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। अब तक देश में 483 जवानों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। शौर्य चक्र, अब तक देश में 2095 जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। शौर्य चक्र भी शांतिकाल का वीरता पदक है। आपको बता दें कि इन पुरस्कारों में उनके साथ एक भत्ता भी दिया जाता है। पहले इस भत्ते में दी जाने वाली मदद काफी कम थी, जिसे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से साल 2017 में बढ़ा दिया गया था। जैसे कि परमवीर चक्र से सम्मानित परिवार को पहले 10,000 रूपए हर महीने मिलते थे, जिन्हें बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया। अशोक चक्र में 6,000 रूपए प्रति माह का भत्ता था, जिसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। इसी तरह 2017 के बाद से महावीर चक्र भत्ता 10,000 रूपए, वीर चक्र 7,000 रूपए, शौर्य चक्र 6,000 और सेना पदक के लिए 2,000 रूपए प्रतिमाह भत्ता तय किया गया है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी ही जरूरी जानकारियों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।